एवरीवन, नमस्कार. दिस इज अंशिका अग्रवाल. इंडियन क्लासिकल वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही सुंदर फुटवर्क जिसका नाम है गिनती की तिहाई. हमारी कुछ प्रीवियस क्लासेस में भी हमने ये गिनती की तिहाई सीखी है, तो आज मैं आपको इसी गिनती की तिहाई का एक नया वेरिएशन सिखाने जा रही हूँ. ये गिनती की तिहाई हम लोग 7 तक बोलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7. जैसे कि तिहाई का मतलब होता है, तब भी हम किसी बोल को 3 बार दोहराते हैं तो वो तिहाई बन जाता है. तो ठीक इसी तरह हम इन बोलों को, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 को 3-3 बार दोहराएंगे और बन जाएगी हमारी तिहाई. तो आइए शुरू करते हैं. पहले मैं एक बार आपको बोल सुनाना चाहती हूँ, फिर आप भी ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. किस तरह से मैंने ये 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 को 3-3 बार बोला और बन गई हमारी तिहाई. पर एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 बोलने के बाद आपको कोई भी गैप नहीं देना है बीच में. अगर हम गैप देंगे तो हमारी तिहाई संपर्क नहीं खत्म हो पाएगी. तो चलिए आइए एक बार देखते हैं कि किस तरह से इस तिहाई को 3 ताल के आवर्तन में हमको बोलना है. आवर्तन यानी कि 3 ताल का म्यूजिक. तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से इसकी पढ़ंत हम करेंगे 3 ताल में. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. तो देखा आपने किस तरह से हमने इस तिहाई को बहुत ही आसानी से बोलकर सम पर खत्म किया. तो आप भी इस तिहाई की बोलों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको बहुत आसानी से सम पर ला सकते हैं. गिनती की तिहाइयां वैसे भी हमारे कथक नृत्य में बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है और इनको बोलना पढ़ना या इनकी पढ़ंत करना भी उतना ही मजेदार है. तो आप सभी इस तिहाई को ट्राई कीजिएगा और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से इस तिहाई को भाव के साथ पैरों से प्रस्तुत करना है. तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में. एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल. थैंक यू सो मच.